आज यानी 10th ऑफ मई को हुई है मोस्ट डायनेमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। जी हाँ, टी सीरीज के भूषण कुमार ने कोलैबोरेट किया है वकाओ फिल्म्स के विपुल डी शाह, राजेश बहल एंड अश्विन वर्दे के साथ। हाल ही में इस बिग अनाउंसमेंट को रिवील किया गया टी सीरीज एंड वकाओ फिल्म्स के सोशल मीडिया हैंडल्स से, जहां से पोस्ट की गई इन फोर मेंबर्स की पिक्चर और साथ ही कैप्शन में मेंशन किया गया किक्स ऑफ द पार्टनरशिप बाय साइनिंग अ 7 फिल्म डील विद 1 फिल्म बीइंग रेडी एंड 6 अदर्स टू गो ऑन फ्लोर इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। यानी कि टी सीरीज और वकाओ फिल्म्स लेकर आने वाले हैं 7 फिल्म्स, जिसमें से 1 फिल्म की अनाउंसमेंट तो श्योरली जल्द ही कर दी जाएगी एज इट इज ऑलरेडी कम्प्लीटेड, और बाकी की 6 मूवीज भी जल्द ही स्टार्ट की जाएंगी। जहां अभी ये नहीं रिवील किया गया है कि इन डिफरेंट जॉनर और बिग से लेकर मिड बजट तक की फिल्म्स में किन एक्टर्स को देखा जाएगा, तो वहीं इन रिच कंटेंट फिल्म्स को जो डायरेक्टर्स डायरेक्ट करेंगे वो होंगे मुदासर अजीज, पति पत्नी और वो हैप्पी भाग जाएगी जैसी फिल्म्स को डायरेक्शन देने वाले डायरेक्टर। सेकेंड डायरेक्टर होंगे शिवम नायर, जिन्होंने नाम शबाना, आहिस्ता आहिस्ता जैसी फिल्म्स को अपनी डायरेक्शन दी। थर्ड होंगे अमित राय, यानी कि बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड विनर फॉर 2009 मराठी फिल्म तिंग्या। फोर्थ डायरेक्टर होंगे आशीष आर मोहन, जिन्होंने वेलकम टू कराची, खिलाड़ी 786 जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया। फिफ्थ होंगे इंदिरा गांधी अवार्ड विनर फॉर डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, यानी संजय पूरन सिंह चौहान। सिक्स्थ फिल्म के डायरेक्टर होंगे सतराम रमानी, जिन्होंने 2021 में रिलीज हुई फिल्म हेलमेट को डायरेक्ट किया। सेवेंथ फिल्म को जो डायरेक्ट करेंगे वो होंगे गौतम वासुदेव मेनन, यानी तमिल इंडस्ट्री में एज एन एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम करने वाले आर्टिस्ट। मिस्टर भूषण का इस कोलैब पर कहना है कि उनके पास इन फिल्म्स के लिए काफी यूनिक स्टोरी लाइंस और पावरफुल एक्टर्स हैं। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज कीप वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।